हमीरपुर कृषि मंडी उप समिति के नव निर्वाचित चेयरमैन अजय शर्मा ने कार्यभार संभालते ही स्वच्छता का संदेश दिया और कार्यालय में पसरी गंदगी को दूर करने के लिए खुद हाथों में झाड़ू उठाकर साफ सफाई की। मंडी समिति कार्यालय के आसपास चेयरमैन ने अपने सहयोगियों के साथ झाड़ू लगाया और सफाई की। इससे पहले चेयरमैन अजय शर्मा ने समिति के बोर्ड सदस्यों की बैठक ली, जिसमें आगामी दिनों के लिए रणनीति तैयार की गई। अजय शर्मा ने कहा कि मंडी उप समिति के अंदर बाहर गंदगी काफी थी, इसलिए पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए साफ सफाई की गई है। अजय शर्मा ने कहा कि समिति की प्राथमिकता रहेगी कि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि किसानों को अधिक सुविधाएं दी जाएं ताकि समस्याओं का निवारण हो सके। अजय शर्मा ने कहा कि मंडी समिति की बोर्ड की बैठक में आगामी रणनीति बनाई गई और प्राथमिकता रहेगी कि जिला के छोटे किसानों को किस तरह से मंडी समिति के माध्यम से सुविधाएं मुहैया की जाएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के किसानों की आर्थिकी को ठीक करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार से यहां पर गंदगी का आलम था, उसको देख करके मन विचलित हुआ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता के प्रति, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री स्वच्छता के प्रति बहुत ही चिंतित हैं। तो मैंने पिछले कल से ही, जब से मैं कार्यालय पहुंचा हूं, जितने भी कार्यालय अपने कार्यालय के कर्मचारी हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि पहले अपने कार्यालय की सफाई करें और कार्यालय में और मंडी के प्रांगण में जो शौचालय हैं, उनकी सफाई हमने कल ही प्रारंभ कर दी थी और आज मंडी के परिसर में हमने जो भी गंदगी का आलम था, उसको सफाई अभियान के रूप में शुरुआत की है। और व्यापारियों से भी अनुरोध किया है, कर्मचारियों से भी अनुरोध किया है और किसानों से भी अनुरोध किया है कि हम इस प्रांगण को स्वच्छ बनाए रखें, ताकि किसानों को भी उसका लाभ मिले, व्यापारियों को भी उसका लाभ मिले और कार्यालय के कर्मचारी भी आराम से कार्य कर सकें। अपनी जो हमारी मंडी समिति है, उसके बोर्ड की बैठक आज यहाँ बुलाई गई थी, उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। हमारी विशेष प्राथमिकताएं रहेंगी कि हमीरपुर जिला के जो छोटे किसान हैं, उनको किस तरीके से हम अपनी मंडी समिति के माध्यम से सुविधाएं पहुंचा सकें, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, हम भी जिला स्तर पर यह प्रयास करेंगे अपनी मंडी समिति के माध्यम से कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत तौर पर एक किसान परिवार से जुड़ा हूं और किसानों की समस्याओं को हम भलीभांति समझते हैं और उनको हल करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे, ऐसा मैं हमीरपुर जिला के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।